सात नंबर मेरे डरा है। पहला रेड लेकर अच्छे है रेड पर शुभम। एक बार फिर से वही जोड़ी देखने को मिल रहा, कुशल कल भी रेड कर रहे थे, शुभम कल भी रेड कर रहे थे अपने अपने टीमों के लिए। बोनस का प्रयास हुआ है और यहां पर राज तोलो को शिकार बनाया है। बोनस प्लस वन पॉइंट इसी के साथ खाता खुला है मुंगेली के। चलो एक बार बहु वाली एक नंबर में प्यार से इन्हें दर्शक बहु वाली कहते हैं। बोनस का प्रयास हुआ है साथ स्कोर एक और दो का बलौदा बाजार को भी खाता खुला है। अच्छा यहां पर टैकल देखने को मिला, दब आइस दे गए बिल्कुल लॉक कर दिया छह नंबर के खिलाड़ी। खुशियां है रेड पर लगातार यह खिलाड़ी रेड करते हैं। शुभम है रेड पर हट्टे कट्टे रेडर है शुभम, यह भी बाहुबली से कम नहीं है। दो दो का स्कोर। अच्छा टैकल लगा है ये दूसरा टैकल बलौदा बाजार की तरफ से डिफेंस में, ये दूसरा टैकल ओपनिंग कामयाब टैकल चुन चुन के मारे हैं मनोज वाली रेड पर। राइट कॉर्नर पे जो डिफेंडर है विशाल बहुत ही सादे डिफेंडर है। तीन दो का स्कोर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे अतिथि और दो डायरेक्ट आ गया है यहां पर। पांच का डिफेंस बोनस ऑफ है, राजनीतियां साफ है, आपको टच पॉइंट लाना पड़ेगा अन्यथा यहां पर। और यहां पर अतुल लग रहा है विशाल है अच्छा टैकल अचानक से है डबल थाउस को लॉक किए बिल्कुल रेयर को पता भी नहीं चलने दिए। शल को बाहर किया है। तीन तीन का स्कोर है बलौदा बाजार 3 मुंगेली 3। यहां पर टच का दावा कर रहे हैं दीपक, अच्छा टच लगा है। चार नंबर के खिलाड़ी को बाहर किया है। मनोज वाली रेड पर टच लगा है इस बार दीपक को ही बात किया है। एक रेडर ने रेडर को बाहर कर दिया है इस बार। बोनस का प्रयास शुभम की तरफ से लेकिन यहां पर डिफेंडर एक्टिव थे इस बार दबोच लिए गए। कुशल आ गए अंदर
इधर पांच का डिफेंस कैप है। कुशल के लिए बोनस आता है इस बार भी, और प्रयास लगातार कर रहे हैं, राज को अंदर का शिकार बना है, बड़े डिफेंडर्स को बाहर किया है, विशाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बलौदा बाजार 6-4 मुंगेली, अब चल रहे हर्षतनवर रेट पर एक नंबर में, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है हर्षतनवर, लंबे हाइट है, और यह जो है लीग का ये लास्ट मैच है, उसके बाद नॉकआउट मैच चलेंगे, क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे, घमासान घमासान मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इसके बाद नॉकआउट मैच रहेगा। चार का दो डिफेंस काम है, कुछ देर बहुबली रेड पर, छह चार का स्कोर, एक तरफ से बहुबली तो एक तरफ से हर्षतनवर, इधर बोनस ऑन है हर्ष के लिए, और यहां पर अच्छा शिकार बनाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया इस बार बहुबली को, बेच के दिखा के बनाए, अच्छा रणनीति है इसे कह सकते हैं हम, एक रेडर नेगेटिव रेडर को बाहर करे कबड्डी में, तो इससे अच्छा रणनीति कुछ नहीं हो सकता है। कुशल चल है इधर से, पांच का डिफेंस कायम है, वापिस अपने कोर्ट में, हर्षतनवर राज से रेडर है, कुशल भी राज से रेडर है, और बहुत सफल रहते हैं, ये देखना है, 6-5 का स्कोर, और ये भी मैच जो है बीच में रहा है, मैच डू और डायरेक्ट आ गया है, पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, टच पॉइंट लाना पड़ेगा, लगातार प्रयास भी हो रहा है, 6 नंबर के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, कहां से हमें वो पॉइंट मिले, ओहो ये क्या, इतना अंदर आपको जाना नहीं था, एक्टिव वहां पे डिफेंडर्स, एक का स्कोर हो गया है, मेडिकल वाले कहा है ध्यान दें, इधर थोड़ी सी चोट लगी है मुंगेली टीम के खिलाड़ी को, टच का दावा कर रहे हैं इस बार, दो टच क्या ये, दो टच लगा है यहां, बिल्कुल दो टच है, इसी के साथ स्कोर 1 पॉइंट से लीड पर मुंगेली, और अभी अभी मेडिकल टीम को बुलाया गया है, इतना आसान नहीं है कबड्डी खेलना जितना आपने सोचते हैं, बोनस का प्रयास हालांकि हुआ था, हर्षा है रेड पर, सुपर टैकल, सॉरी 4 का डिफेंस है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे प्रयास कर रहे हैं, दो टच का इनका ये अच्छा स्किल है, लगातार जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं दो टच करके इतनी फुर्ती के साथ अपने कोर्ट में वापस भागते हैं, हेलो कुशल चल है रेट पर, हेलो नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे इस मैच के तुरंत पश्चात, पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के मध्य, शुभम के हेड पर, 4 का डिफेंस है, क्या शुभम को यहाँ पे कैच करेंगे या फिर शुभम पॉइंट लेके जाएंगे, हेलो लगातार प्रयास कर रहे हैं, नॉकआउट दौर का मैच खेला जाएगा, आगाज होगा क्वार्टर फाइनल से, पहला मैच खेला जाएगा कवर्धा सुपर किंग वर्सेज
महासमुंद योद्धा के बाद दोनों ही टीम के लिए प्रथम पुकार तैयारी प्रारंभ करें। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा के बाद दोनों टीम के लिए प्रथम पुकार। यहां पे दुआ डायरेक्ट में घुसल ने पॉइंट निकाले हैं, अच्छा पॉइंट, अच्छा अनुभव के साथ रेड कर रहे थे। उधर से भी डोवा डायरेक्ट कुशल तो मंगल कर गए, क्या यहाँ पर हर्ष मंगल करेंगे अपने टीम के लिए, क्या सेफ खाएंगे पॉइंट लेकर आए। डोवा डायरेक्ट है स्कोर किया है कि हाँ अच्छा रेड का पॉइंट, ये तो सुपर रेड लगा दिए है यहाँ पर। टीम खिलाड़ी को बेंच का रास्ता दिखा दिया है। कुशल चल है रेड पर और महत्व ही खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी किक तो कभी स्लिप, बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस उन्हें मिला। फिर से हर्ष गए हैं, क्या हर्ष इस सवाल 2+2 4 पॉइंट लेके आएंगे या सुपर टैकल करेंगे। अगर जो सुपर टैकल करेंगे तो स्कोर जो है वो इक्वल हो जाएगा, 8 पॉइंट बलौदा बाजार, 10 पॉइंट मुंगेली। और यहां पर क्या ये सुपर टैकल सफल है, जी हाँ यहां पर बिल्कुल सफल है, उसी के साथ स्कोर 10-10 का हो गया है, क्वार्टर के टक्कर का मुकाबला हो रहा है। चल है कुशल रेट पर, कहां बलौदा बाजार यहां पर ऑल आउट होने वाली थी और यहां पर अच्छा टैकल लगा है। विशाल ने डाई लगाया, टीम का सपोर्ट आया, हर्ष वापिस अंदर आ गए अपने कोर्ट में। शुभम चल है रेड पर, अभी भी सुपर टैकल जारी है, क्या यहां पर एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा। जी नहीं, यहां पर एक्टिव थे इस बार शुभम, अच्छा पॉइंट, महज अकेला खिलाड़ी बच गया है। चेंज किया जा रहा है, चार नंबर के खिलाड़ी बाहर गए हैं, 12 नंबर के खिलाड़ी अंदर आए हैं सिचुएशन में, महज अकेला खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर। और यहां पर इस बार अच्छा डिफेंस, अच्छा टैकल विशाल की तरफ से। हमने अक्सर कहा है इस खिलाड़ी के बारे में, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, इसी के साथ हालत हो गई थी। बलौदा बाजार स्कोर है 11 मुंगेली 15, टाइम आउट खत्म हो चुका है और बता दें कि पूरे मैच में एक एक ही टाइम आउट लेना है आपको, तो दोनों तरफ के कोच साहब ने अपने अपने मंत्र खिलाड़ियों को दे दिए हैं। खींचे हुए रेडर चल रहे एक नंबर में हर, जिया आ गए हैं एक नंबर के खिलाड़ी मनोज वाली रेड पर, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा है, बाहर रखे हैं। अच्छा टैकल एक बार फिर से, 11 नंबर के खिलाड़ी दीपक ने कैच किए हैं और दीपक एक रेडर है, राइट कॉर्नर के इन पे खेल रहे थे, अच्छा एंगल हो उठा लिया उन्होंने। 11-16 का स्कोर हो गया है, बलौदा बाजार 11-16 मुंगेली। शुभम रेड पर बोनस का प्रयास किया है,
सफलतापूर्वक बोनस मिला उनको। ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, मैच स्टार्ट हो गया है। शुभमा है रेड पर 7 नंबर में, और यहां पर 6 का डिफेंसर बोनस ऑन है शुभम के लिए। फर्स्ट हाफ में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे शुभम भी अपने टीम के लिए। कुशल चले हैं रेड पर, इधर भी 7 नंबर के खिलाड़ी, 7 का पूरा डिफेंस कुशल के लिए तैयार है शायद टैकल करने के लिए। बहुत ही बढ़िया फोकसर दिखा रहे हैं। राज कपूर को हालांकि शिकार बनाने का प्रयास हो रहा था। रेडर हस्तन पर फर्स्ट हाफ में एक सुपर रेड लगाए थे। स्कोर हम बता दें, बलौदा बाजार 11 मुंगेली 17। दोनों तरफ के खिलाड़ी शादी रणनीतियां तैयार करें 2 बार डायरेक्ट पे खेलने के लिए, क्योंकि हाफ टाइम के बाद मुकाबला चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लगातार प्रयास कर रहे हैं 11 नंबर के खिलाड़ी, सब किचन पे आए हैं। और जर्सी नंबर 7 को कुशल को यहां पर कार्ड दिखाया जा रहा है। ये कोई शादियां वाली कार्ड नहीं है, ये अनडिसिप्लिन वाली कार्ड है। हमारे रेफरी एनी टाइम आपको देख रहे हैं। 2 बार डायरेक्ट है शुभम के लिए पर। क्या 2 बार टाइम में पॉइंट निकालेंगे या फिर यहां पर डिफेंडर सेक्टिव है जे नहीं, यहां पर चकमा दिए हैं 3 नंबर के खिलाड़ी को। बिल्कुल आगे से टर्न की फोर्स लगाए, इधर भी 2 बार डायरेक्ट आ गया कुशल के लिए। हालांकि बोनस ऑन है, बोनस भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने तो विशाल है भाई राइट कवर के, बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है, बिल्कुल संयम नहीं छोड़ता है। और यहां पर 2 रेड पॉइंट का शॉट मांग हो रहा है कुशल की तरफ से, फ्लाइंग टच किए हैं इच 1 पॉइंट। एक खिलाड़ी डिफेंडर आउट है तो यहां पर रेडर भी आउट है, कुशल को बाहर जाना पड़ेगा। यहां पर मनोज बाली अंदर आ गए हैं। बलौदा बाजार 12-19 मुंगेली, फिर से हाफ टर्न पर रेड कर, 5 का डिफेंस बोनस ऑफ हाफ टर्न पर के लिए। चलो हम मनोज वाली रेड कर, पहले हाफ में बिल्कुल इनको शांत रखा गया है, क्या सेकंड हाफ में भी हाफ वर्ल्ड डिफेंडर्स यहां पे इनको शांत रखेंगे या फिर दही वाली वाला काम करना चालू कर देंगे। लगातार प्रयास कर रहे पॉइंट के लिए वापिस अपने कोर्ट में। 12 बलौदा बाजार, 19 मुंगेली, शुभम चले हैं इधर से रेट पर, 5 का डिफेंस कायम है। लगातार सफलिंग कर रहे हैं, कहां से कौन टूटे, लेकिन यहां पर अच्छे अच्छे डिफेंडर्स कुछ भी आप कर ले टूटते नहीं है। 2 नंबर के खिलाड़ी यह है, डायरेक्ट आ गया है हस्त नंबर के लिए। इस बार मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं क्योंकि 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है।
और यहाँ पर अच्छा टैकल, दो नंबर के खिलाड़ी अच्छा टैकल किया है इस बार। देवा डायरेक्ट है से भी और यहाँ पर संयम को चार नंबर के डिफेंडर देवा डायर था, आपको संयम बना के रखना था क्योंकि बोनस था नहीं, रेडर को पॉइंट चाहिए था, वो टच पॉइंट करते फिर से सुबह हम चले हैं रेड पर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 9 में आप सभी को स्वागत है और ये क्या इसके बाद सुबह शायद मल्टीपल एक पॉइंट किए हैं, दो रेड पॉइंट एक रेड में बोनस का भी मांग कर रहे थे। अच्छा रेड यहां पर देखने को मिला, सात पॉइंट से बहत्तर है मुंगेली, क्या इस लीड को बहुबली तोड़ेंगे। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल इनको साथ रखा गया, इस बार प्रयास अच्छा था, 11 नंबर के खिलाड़ी जो एंगल होल्ड किए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं और हमारे दर्शक देखना ही चाहते हैं बहुबली को। पंद्रह इक्कीस का स्कोर हो गया है, छह पॉइंट से बढ़त पे मुंगेली। खाली अब वापस अपने कोर्ट में, फिर से चल है मनोज वाली रेट पर, इधर पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है मनोज वाली के लिए और मनोज वाली के सामने में विशाल है छह नंबर में, क्या विशाल टैकल करेंगे या फिर बिल्कुल संभाल के चल रहे हैं मनोज वाली, क्योंकि यहां पर उनको ऐसा शायद लग रहा है कि ऑल आउट करेंगे टीम को क्योंकि स्कोर भी चाहिए उनको टीम को, छह पॉइंट से बहुत पे है मुंगेली। से चले हैं रेड पर, इधर भी पांच का डिफेंस कायम है, लगातार कुशल सफलिंग कर रहे हैं पॉइंट के लिए जरूरत भी, हालांकि करो या मरो की स्थिति में गया है शुभम इस बार। बोनस का प्रयास हुआ है, सफलतापूर्वक बोनस दो अंडर एक था और यहां भी दो अंडर एक आ गया है, कुशल के लिए भी दो डायरेक्ट है, इधर तो बोनस दिया हुआ भाई, एस्केप किया है और ये क्या सुपर रेड, अच्छा रेड यहां पर एक बार फिर से वही पहला दिन वाला वो याद दिला दिए, एक रेड में छह रेड पॉइंट अब तक के यहां पर टूर्नामेंट में जो पॉइंट निकाले हैं स्कोर किए हैं छह रेड पॉइंट वाले, क्या उसको रिकॉर्ड तोड़ेंगे दुर्गेश नेताम, एक रेड में छह रेड पॉइंट लेके आए थे, ऑल आउट पूरी टीम को कर दिए थे, चार डिफेंडर थे, पहले जंप लगाए थे उसके बाद स्केप किए थे, हर्षा है रेड पर और यहां पर सरप्राइज क्या चल, क्या ये बहुबली अपना काम करना चालू कर दिए हैं, 19-22 का स्कोर हो गया है,
नाम है मनोज बाली, कभी नजार है खाली। इसी के साथ हालत कर देना, 22-22 का स्कोर हो गया है यहां पर। क्या ये वापसी का संकेत है बड़ौदा बाजार की तरफ से? ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट समय से इस मैच का गजब का मुकाबला हो रहा है। कहा यहां पर टीम 6 पॉइंट से पीछे थी, कहा यहां पर मात्र 2 मिनटों में ही चेंज हुए हैं। और ये क्या इस बार एस्केप किए हैं हर्ष तनवर ने, फिर से एक लीड बनाए हैं 3 पॉइंट वाले। हेलो दीपी पुकार, प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कवर्धा सुपर किंग वर्सेस महासमुंद योद्धा, दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर ले। मनोज वाले चल है रेट पर बोनस का प्रयास और एक टच का मांग कर रहे थे, सफलतापूर्वक टच मिला है। इस 25 का स्कोर है, 2 पॉइंट से बढ़त पे यहां पर मुंगेली अभी भी चल रहे हैं हर्ष के बदौलत। अगला रेड जो किया सुपर रेड लगा दिए थे, एस्केप किए कवर पे, कवर को काटे, लेफ्ट कॉर्नर भी आ गए थे सहयोग करने के लिए और राशि जमा हो गया यहां पर हर्षनंदन के खाते में। इस बार खाली है वापस, और अब चल है बाली रेड पर, राइट कॉर्नर को शिकार बनाया था। अगला रेड में यहां पर बोनस का प्रयास हुआ है और शायद कट लाइन है, पूरा पैर उठना चाहिए बोनस में, तभी बोनस मान्य होता है। शुभम चले हैं रे पर, तीस 25 का स्कोर है, 3.5 मिनट समय है इस मैच में। फिर से मनोज वाले चले हैं रेड पर, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है मनोज वाली के लिए और राइट कॉर्नर पर जो डिफेंडर है विशाल है, क्या विशाल को शिकार बनाएंगे या फिर विशाल उन्हें शिकार बना लेंगे? देखना यही ध्यान दे, मैच समाप्त होने बोनस प्लस 1 पॉइंट लेके आए हैं, शेष बचे हैं और अच्छे खिलाड़ी को बाहर किया है, तनवर को ही बाहर कर दिया है, डू और डायरेक्ट आ गया है, दर्शक चिल्ला रहे हैं डू और डायरेक्ट आ गया है, खतरे के घड़ियां क्या यहां पर चालू हो चुकी है। अच्छा था कल फिर से एक बार स्कोर बरतता है, 1 पॉइंट से बाहर, 25-26 का स्कोर हो गया है। ये लीग मैच में ऐसे जब मुकाबले चल रहे हैं तो अभी तो क्वार्टर फाइनल बाकी है और गर्मियां बढ़ सकती है, ये अभी आपने बहुत कम देखा है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आते आते आपको तापमान जो है 70 पार हो जाएंगे, अभी फिलहाल 50 पे चल रहे हैं। विशाल है रेड करने के लिए, अच्छे डिफेंडर्स हैं विशाल, कभी कभी रेड भी लगा देते हैं। 26-25 स्कोर है, 1 पॉइंट से बढ़त बलौदा बाजार चल रही है। यहां पर हमने बोला है कि इस मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब चल है बहू वाली रेड पर, 4 का डिफेंस कायम है, कितने लगाए हैं लेकिन वहां पर विशाल कामयाब कदम का बजा रहे हैं, पूरा का पूरा टीम वहां पे टीम करेंगे। 26-26 स्कोर हो गया है, भाई दर्शक कह रहे कौन जीतेगा, भाई दोनों तरफ से रेडर डिफेंडर्स पॉइंट पे पॉइंट ला रहे हैं।
26-26 का स्कोर। चाल का है रेट पर और ये क्या लोग कोतर को शिकार बनाया है जीत लगा के मौके पे चौका लगाया है इस बार। हमने अक्सर कहा है कि चाल शातिर खिलाड़ी है। एक मिनट समय से इस मैच का कुछ पेपर अच्छा सफलिंग कर रहे हैं और वन पॉइंट मिला है यहां पर। गलती हुआ विशाल से, संयम खोए हैं। 27-27 से स्कोर हो गया है। ये रोमांचक मुकाबला छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का ये सीजन 9 का ये मैच है, लीग का आखिरी मैच है। संभवतः एक से दो रन हो सकती है इस मैच में। स्कोर है क्या ये मैच भी टाई होंगे या फिर यहां पर कोशिश करेंगे बाहुबली पॉइंट लाने के लिए। टाइम ओवर, मैच समाप्त। ये आखिरी मैच है इस लीग का, उसके बाद क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जाएंगे और ये 27-27 के यहां पे पार्ट आगे रुक गया है।